और जब ये सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी शेर खान अपने कुछ चमचों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। वो अकीला से कहता है कि ये इंसान का बच्चा मेरा है, मैंने इसके माँ बाप को मारा है, इसीलिए मेरा शिकार है, तुम्हें इसे मुझे देना होगा। पर अकीला साफ साफ मना कर देता, वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस वक्त ये हमारे समूह में है, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। शेर खान कहता है कि आज तो तुमने इस बच्चे को बचा लिया, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक मुझसे बच नहीं पाएगा, और वहां से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और बगीरा को दिखाया जाता है जो हमेशा मोगली की ट्रेनिंग कराता है। यहाँ पर एक जंगली बेयर भी है जिसका नाम है बलू, जो सभी वुल्फ्स की ट्रेनिंग करवाता है। और अब बलू सभी वुल्फ्स को और साथ ही मोगली को बोलता है कि मैं तुम सबकी एक रेस करवाऊंगा और जो भी उस रेस में जीतेगा उसे शिकार करने का मौका मिलेगा। दरअसल आज तक इनमें से कोई भी शिकार पर नहीं गया और किसी भी वुल्फ के लिए भेड़ी के लिए शिकार पर जाना एक शान